है नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं पोको का नया लॉन्चर अपडेट हो चुका है। पोको डिवाइस के लिए बस अवेलेबल किया गया जिसमें आपको सारे बग्स फिक्स कर दिए गए और कुछ एनिमेशन आपको इसमें ज्यादा स्मूथनेस देखने को मिल जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप इसके स्मूथनेस का यूज कर पाएंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं कितना स्मूथ आप देखने को मिल जा रहा है, ये पहले से ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन आपको इतना स्मूथ देखने को मिल जा रहा है। तो बने रहे वीडियो पर, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कितना स्मूथ आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जा रहा है। ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों में आपको ये स्मूथनेस देखने को मिल जाएगा। सारे बग्स आपको यहाँ पे फिक्स कर दिए गए, कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है, बग्स ही फिक्स किए गए और इसके अलावा और कुछ इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको स्मूथनेस साथ साथ कुछ विजिट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि मैं यहाँ दिखा दूँ आपको। जैसे ये देख पा रहे हैं ये विजिट्स भी आपके यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाएंगे। ये विजिट्स को ऐड कर दिया गया, आपको बस क्लिक करना है, ऐड करना है और यहाँ से होम स्क्रीन पे इसको प्लेस कर देना है, जिससे आपके फोन में ये वर्किंग हो जाएगा और आप इसको यहाँ पे यूज कर पाएंगे। और ज्यादा कुछ चेंजेस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, बग्स फिक्स कर दिया है, ये एक मेजर चेंजेस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस अपडेट में लॉन्चर में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, जैसे देख पा रहे हैं पुराने वाले सारे चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, कोई भी चीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। रिसेंट बार में भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, जैसे स्वामी ने पोस्ट किया था कि ISO का रिसेंट बार देखने को मिलेगा, इसमें अभी आपको ये अपडेट में देखने को नहीं मिला है। तो आगे चल के अपडेट में आपको देखने को मिल जाएगा या HyperOS 2.0 में आपको देखने को मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक APK की जरूरत पड़ेगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ग्लोबल लॉन्चर है पोको के लिए, यहाँ पे आप टैप करेंगे और इसको एक बार इंस्टॉल कर देंगे। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसको आप अपडेट या इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा क्लोज कर देंगे और आपके फोन में वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसा देख ही पा रहे हैं इस तरह का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। अगर आपको ये थीम लॉक स्क्रीन और आइकॉन आपको यूज करना है तो इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप थीम स्टोर से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे और इसको यूज कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।